हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पापीज मेकअप रूम। सो आज मैं आप लोगों के साथ मेरा रियल ब्राइडल वर्क शेयर करूँगी। फुल मेकअप ट्यूटोरियल इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और स्टेप बाय स्टेप क्या क्या करती हूँ वो सब मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर फेस को अच्छे से क्लीन कर लिया है और उसके बाद एक वाटर बेस में मॉइस्चराइजर यूज़ कर रही हूँ न्यूट्रीजिना का, जो कि बहुत अच्छा एक मॉइस्चराइज़र है समर के लिए। और ब्राइट जो समर के ब्राइड्स होते हैं तो वो स्वेटिंग बहुत ज़्यादा उन लोगों को होती है, तो इसके वजह से आपको वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है। उसके बाद मैं यहाँ पर एक मैजिक ड्रॉप यूज़ कर रही हूँ, ये है क्यूटी ब्यूटी का मैजिक ड्रॉप, जो हमारा जो मेकअप है उसको लॉन्ग लास्टिंग बनाने में मदद करता है और मेकअप को वाटर प्रूफ भी करने में थोड़ा बहुत मदद करता है। तो उसके बाद मैं पहले आई मेकअप करूँगी। जो लोग बिगनर्स हो या फिर अपना अपना अनुसार करते हैं सारे मेकअप आर्टिस्ट, आपको जैसे भी अच्छा लगे आप वैसे कर सकते हो। मैं यहाँ पर पहले आई मेकअप करूँगी, उसके बाद ही बेस मेकअप करूँगी। तो पहले मैंने आईज़ को अच्छे से डिफ़ाइन कर लिया है, मैंने आईब्रो को भी अच्छे से फिल कर लिया है। और मेरा जो क्लाइंट था उनका आईब्रो बहुत अच्छा था और बहुत ज़्यादा थिक भी था, तो ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ा। मैं नेचुरल जैसे ही है आईब्रो वैसे ही मैंने रखा है। उसके बाद मैं आई बेस को क्रिएट कर लिया है। यहाँ पर मैं एक रेड और गोल्डन में ब्राइडल आई मेकअप करूँगी, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा ऑरेंजेस कलर को दूंगी। पहले मैंने ट्रांजिशन शेड को यूज़ किया है, उसके बाद मैं थोड़ा थोड़ा करके ऑरेंज कलर को आउटर कॉर्नर पे और इनर कॉर्नर पे थोड़ा सा फोकस करके ब्लेंड करूँगी। तो फुल जो मेकअप होगा वो ऑरेंज के ऊपर ही होगा जो आई मेकअप होगा, और थोड़ा सा रेड टिंट रहेगा उसमें। तो मेरा जो क्लाइंट है, क्लाइंट का आईज़ थोड़ा सा हुडेड है और बहुत ज़्यादा रिंकल्स थे उनके आईज़ में, तो इस तरह के आईज़ में क्रीज़ बहुत जल्दी आ जाते हैं, तो आपको बहुत ही ध्यान से काम करना होता है, ब्लेंड बहुत अच्छे से करना होता है और उसको सेट भी करना होता है अच्छे से, नहीं तो बाद में क्रीज़ आ जाती है। तो मैं आई मेकअप करते करते ही कुछ जगहों पे क्रीज़ आ रही थी, इतना ज़्यादा हुडेड था आईज़। तो उसके बाद आप देख सकते हो आउटर कॉर्नर पर मैंने ऑरेंज कलर यूज़ किया है, और उसके बाद थोड़ा सा डार्कर कलर मैंने आउटर कॉर्नर पर दिया है, और अभी मैं एजेस को ब्लेंड कर रही हूँ अच्छे से। उसके बाद मैं शिमर कलर यूज़ करूँगी, ग्लिटर यूज़ करूँगी, और मैंने यहाँ पर आई मैजिक का ग्लिटर यूज़ किया है, जो कि बहुत ही अच्छा एक पिगमेंट है, बहुत ही फाइन पाउडर है उसका। आप देख सकते हो मैंने ग्लिटर अभी यूज़ कर दिया है, बहुत ही फाइन और बहुत ज़्यादा एक ग्लॉसी लुक देता है आईज़ को। उसके बाद मैं फेस मेकअप स्टार्ट कर चुकी हूँ यहाँ पर। पहले मैंने फेस को अच्छे से प्रेप कर लिया था, आप लोगों ने देखा ही था। तो उसके बाद मैं यहाँ पर ऑरेंज कलर करेक्टर यूज़ कर रही हूँ। मेरे क्लाइंट के फेस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी और बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन भी थी, बट गर्मियों में क्या होता है, ड्राई स्किन हो या फिर ऑयली स्किन, बट पसीना सभी को आती है, तो उसी हिसाब से आपको जो स्किन प्रिपरेशन करनी होगी। और उसके बाद जहाँ पर भी प्रॉब्लमेटिक एरिया है, जहाँ पर भी डार्कनेस है, उसको आपको हाइड करनी होगी, नहीं तो गर्मियों के दिन जो है मेकअप अच्छे से सेट नहीं होगा और काला पड़ जाएगा फाउंडेशन। तो आपको अच्छे से डार्क जो स्पॉट है उसको हाइड करना है। मैंने यहाँ पर अच्छे से ब्लेंड कर लिया है, और उसके बाद देखो थोड़ा सा डार्कर टोन मैंने लिया है मेरे क्लाइंट के फेस से, थोड़ा सा डार्कर है ये। उसको लेकर जहाँ जहाँ पर मैंने ऑरेंज कलर करेक्टर यूज़ किया है ना, वहाँ पर मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी, ताकि वो ऑरेंज जो कलर है, कलर करेक्टर है, वो छुप जाए, न्यूट्रलाइज हो जाए। तो इसीलिए मैंने उसको ऊपर ये कंसील कर दिया है, और उसको अच्छे से पूरे फेस में ब्लेंड करना है।
तो मैंने जहाँ जहाँ पर ऑरेंज कलर करेक्टर है वहाँ पर अप्लाई किया है, और उसके बाद वो जो डैम ब्यूटी ब्लेंडर है उसी से पूरे फेस में मतलब मैंने इसको यूज़ कर लिया है, क्योंकि कहीं पर कम या कहीं पर ज़्यादा कलर होना नहीं चाहिए। पूरे फेस को आपको अच्छे से कंसील करना है, उसके बाद आपको फाउंडेशन यूज़ करना है। तो यहाँ पर मैंने दो फाउंडेशन को मिक्स करके क्लाइंट का फेस के अकॉर्डिंग मैंने फाउंडेशन को क्रिएट किया है। यहाँ पर मैंने मैक और जो शॉपरिल का मिरेकल स्किन फाउंडेशन है उन दोनों को मैंने मिक्स किया है। सारे प्रोडक्ट के लिंक आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर, जो जो अवेलेबल है वो को मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर, आप चेक कर लेना। और पूरे जो फाउंडेशन है उसको पूरे फेस पे अच्छे से पहले यूज़ करो, और जो ड्राई फाउंडेशन होते हैं मैक का या फिर हुडा का, ये सब फाउंडेशन बहुत ज़्यादा ड्राई होते हैं, मतलब थिक होते हैं, तो जल्दी ही सूख जाती है। तो आप लोग क्या करना, एक एक थोड़ा थोड़ा करके अप्लाई करो, उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके ब्लेंड कर लेना। उसके बाद मैं यहाँ पर फेस को हाईलाइट कर रही हूँ, तो थोड़ा सा लाइट टोन मैंने यहाँ पर लिया है, जो कि मैंने एक पैलेट से लिया है, वो है डर्मा पैलेट। तो डर्मा पैलेट से मैंने D4.5 जो कलर है उसको मैंने लिया है, लेकर मैं जो हाईलाइट है वो कर रही हूँ। तो यहाँ पर कैमरे पे थोड़ा सा वाइट वाइट दिख रहा है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। अभी तो फेस थोड़ा सा वाइटिश लगता है देखने में, बट सारा मेकअप सेट हो जाने के बाद, सब कुछ हो जाने के बाद, इसमें और ज़्यादा कलर ऐड होगा, ये सब ऐड होने हो जाने के बाद फेस नॉर्मल हो जाती है। तो ये मेकअप प्रोसेस में होता ही है। तो मैंने यहाँ पर क्रीम कॉन्टोर कर लिया है, ये भी फेस को थोड़ा सा एक कलर ऐड कर देता है, फेस में थोड़ा सा डेप्थ ऐड कर देता है, और फेस का जो शेप है वो बहुत अच्छा आता है, उभर के आता है, दिखता है फेस का जो शेप है वो। तो उसके बाद मैंने यहाँ पर लिक्विड ब्लश यूज़ किया है, और उसको भी मैं अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी, और इसके बाद मैं पूरे मेकअप को अच्छे से सेट करूँगी। तो आपको क्या करना है, गर्मियों में कोई भी लूज़ पाउडर से पूरा मेकअप को अच्छे से सेट करना है, और जहाँ पर आपकी क्रीज लाइन आते हैं वहाँ पर इस तरह से अच्छे से ब्लेंड कर लो पहले, उसके बाद ही पाउडर यूज़ करो, क्योंकि अगर आप क्रीज लाइन के ऊपर पाउडर दे दोगे तो वहाँ पर क्रीज पड़ जाएगी और वो आप ठीक नहीं कर सकते हो। उसके बाद आपको वहाँ का जो मेकअप है उसको दोबारा से उठाकर दोबारा आपको करना होगा ठीक, नहीं तो वहाँ पर क्रीज लाइन रह जाएगी। तो इस तरह से आपको करना है, और उसके बाद मैं पूरे जो फेस पर आप देख सकते हो पाउडर को स्प्रेड कर रही हूँ, और पूरे फेस को अच्छे से मैंने पाउडर जो है वो सेट कर लिया है। इसके बाद मैं सेटिंग स्प्रे यूज़ किया है पैक का, जो कि बहुत अच्छा एक सेटिंग स्प्रे है। तो इसके बाद मैंने पाउडर ब्लश यूज़ किया है, और उसके बाद पाउडर कॉन्टोर, ये दोनों आपको यूज़ करने हैं तो ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग रहते हैं, ये जो ब्लश एंड कॉन्टोर ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग रहते हैं। तो आप भी अभी देखो फेस में थोड़ा सा कलर ऐड हुआ है, तो वो थोड़ा सा नेचुरल लुक लग रहा है देखने में। तो इसके बाद मैं लोअर लैश लाइन पर सेम कलर को मैंने ब्लेंड किया है, पहले ऑरेंज कलर को और उसके बाद थोड़ा सा ब्राउन कलर को मैंने ब्लेंड कर दिया है। तो आपको आपके अनुसार आप करना, आप अगर ब्राइडल वर्क करते हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना, और आप किस तरह से काम करते हो। और मैं यहाँ पर आईज़ को हाईलाइट कर रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा मैंने हाईलाइट नहीं किया है, ब्राउ बोन पर थोड़ा सा ही किया है। तो जो मेरी क्लाइंट का जो आईज़ है सुंदर है बहुत, और छोटी सी भी है, तो बहुत ज़्यादा हाईलाइट की ज़रूरत नहीं होती है आईज़ पे। तो इसके बाद मैं लाइनर यूज़ कर रही हूँ, यहाँ पर मेबलिन का जेल लाइनर मैं यूज़ कर रही हूँ।
तो नीचे मैंने आइज़ के नीचे थोड़ा सा पाउडर दिया है क्योंकि फॉल आउट हो जाता है बहुत बार, तो वो पाउडर में आ जाएगा और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप पहले बेस करते हो और उसके बाद आई मेकअप करते हो तो भी आप इस टेक्निक को फॉलो कर सकते हो, जो कि बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट ऑलरेडी करते हैं, मैं भी कभी कभी वैसे ही करती हूँ। तो यहाँ पर मेरा आई जो मेकअप है ऑलमोस्ट डन हो चुका है, और आप जानते ही हो रियल वर्क में उतना ज़्यादा हम लोग टाइम नहीं दे पाते हैं वीडियो करने में, तो इससे ज़्यादा मैं नहीं कर पाई वीडियो। तो फुल लुक मैं आप लोगों को इसके बाद मैं दिखा रही हूँ, तो लिपस्टिक का वीडियो मैं नहीं कर पाई क्योंकि लास्ट में थोड़ा सा जल्दबाजी हो गई थी और हेयर स्टाइल भी जल्दी में ही मैंने कर लिया था। तो ये फुल लुक है, आप देख सकते हो। तो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताना, अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखना।